जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा होगा, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आप फिक्र न करें, मैं अपना जानवर साथ लाया हूँ। लोग जो नुमुद नुमाइश करते हैं, पांच पांच बैल करते हैं, तीन तीन बकरे करते हैं, दो दो ऊंट करते हैं, क्या ये सही है? आपकी नीयत काउंट होती है, आप 50 कर लो और आपकी नीयत नहीं है तो इट्स नो पॉइंट। इतना हसीन तुम हाथ मत लगाओ, उसकी हंसी निकल गई, देखो हसीन तरीन जानवर है ये, हसीन तरीन जानवर है और ये नायाब नस्ल का जानवर है, ऐसा कलर इससे पहले कहीं नहीं देखा गया, ऐसा कलर नहीं देखा है। अच्छा मैं अच्छा बच्चा हूँ या गंदा बच्चा हूँ? ना अच्छे बच्चे ना, आप गंजे बच्चे। 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए प्राइस है इसकी, 20 लाख रुपए में इस पांडे को दे दिया जाएगा। शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां मिर्च का इस्तेमाल ना होता हो। घर के किचन से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जो तैयार किए जाते हैं पकवान, सब में मिर्च का इस्तेमाल लाजिम अमर है, जो खाने को जायका देते हैं। मिर्च का इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हर घर में हसबे जायका इस्तेमाल की जाती है। किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह साबित है। मिर्च की इकसाम में लाल मिर्च के ज्यादा इस्तेमाल को मुजरे सेहत करार दिया जाता है। खानों में इसका इस्तेमाल हाजमे को बेहतर बनाता है और हैजे की तकलीफ में मेदे को तकवीयत देती है। इसी तरह काली मिर्च जिस्म में चिकनाई की खुलियों को तोड़ने में मदद देती है, आंतों में गैस बनने से रोकती है। एक तहकीक के मुताबिक मिर्च चर्बी नहीं बनने देती। मिर्च की आसाम में विटामिन का खजाना मौजूद होता है। मिर्च में आयरन, पोटाशियम और मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। आइए अपने एक्सपर्ट से मिर्च के मजीद फवायद जानते हैं। अच्छा, we don't have any music, तालियां। All right. कभी कभार ऐसा हो जाता है, very good morning to you. आज का शो बहुत अच्छा है, दो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो ये, इट्स ट्यूजडे, दैट मीन्स कि अभी तो हम दे बहुत दूर है, कल का पूरा एक दिन बाकी है, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वीक जो है वो डाउन होना शुरू होगा। कल हम लोग बकरा मंडी गए थे और बकरा मंडी में हम लोगों ने बैल और गाय बहुत सारी देखी। बहुत सारी बैल थे, बहुत सारी गाय थी, 25-25, 30-30 लाख रुपए का बैल और गाय थी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा जैसे सब लोग कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। अगर सब लोग कुर्बानी करना चाहें, सब लोग कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो थोड़ा सा बांट लीजिए, थोड़ा सा बांट लीजिए, थोड़ा उन लोगों को दे दीजिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो नॉन अफोर्डिंग है, लेकिन मेक श्योर कि आप इसकी खुशियों में सबको शरीक करें। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है और आप लोगों के चेहरे इतने सुते हुए हैं, इतने बोर लग रहे हैं कि मुझे खुद मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आप लोगों की तरफ देखूं। सीरियसली नहीं चाह रहा मेरा दिल, जरा मुस्कुरा के अच्छे से प्यार से आनो, भुगते मुझे। 1 2 3 गो, देयर यू गो। शो अच्छा, शो इसलिए भी अच्छा है कि आई प्रॉमिस यू, वैसे तो आप लोगों ने बड़े बड़े लोगों को, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लोगों को आपने रेसिपीज बनाते हुए देखा होगा, टोटके बनाते हुए देखा होगा। आज मैं आपको दो टोटके देने जा रहा हूँ, मैं देने जा रहा हूँ खुद दो टोटके। पहला टोटका क्या है? पहला टोटका है जनाब, ये टमी से जो फैट होता है, एक ड्रिंक बनाऊंगा छोटा सा आपके घर में। आई प्रॉमिस यू, आज आपने शो को ट्यून आउट नहीं करना है, आपकी टमी का फैट रिड्यूस हो जाएगा, ये जो टायर आपके यहाँ बना होता है ये रिड्यूस हो जाएगा। रात को सोने से पहले आपने एक ग्लास जो मैं आपको बना के दूंगा, जो मैं आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ वो पीना है। और कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई डाइट नहीं है, कुछ नहीं है। ऑफकोर्स आप हेल्दी खाएंगे, सेंसिबल खाएंगे, लेकिन आपका ये जो टमी फैट है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पूरा प्रोग्राम आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, एक और बड़ी शिकायत होती है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी एजिंग हो रही है, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं, हम काश 10 साल पीछे चले जाएं। तो आई प्रॉमिस यू, आज मैं चावल के जरिए मैं आपको आज बताऊंगा कि मास्क, मैं खुद बताऊंगा कि मास्क क्या। अरे यार, तुम लोग बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता क्या? मास्क कैसे बनाया जाता है 10 साल, जोर से बजाइए, 10 साल। आज हम 10 साल ले लेंगे आपके चेहरे से, मैं 10 साल छीन लूंगा। सोचो, जो खुद ही 12 साल का है वो 2 साल का होके गोद में घूमेगा। बट और साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि आज मैं आपको दिखाऊंगा सलमान खान को कौन कौन पसंद करता है। जो सलमान को पसंद नहीं करता उसको मैं पसंद नहीं करता। आप पसंद करते हो ना? जो सलमान खान का भाई नहीं है वो अपना भाई नहीं है। सो आज आपको दिखाएंगे सलमान खान बकरा मंडी कैसे जाते हैं।
दुनिया में सबसे मुश्किल काम पाकिस्तानी क्राउड में काम करना है। घर से सोच के आते हैं नहीं हंसना, घर से सोचो तो ना ये क्या बकवास, हंसा के दिखा, तुझ में हिम्मत है तू हंसा, तू क्या करेगा क्या? बहुत अच्छा तू साहिल लोधी हंसा मुझे, हंसा सकता है? अरे मैं तो अपनी बीवी के लिए नहीं हंसा, तू क्या हंसाएगा मुझे? और खवातीन जो यहाँ बैठी हुई हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जाके अपने हस्बैंड्स के मोबाइल नंबर ज़रूर चेक कीजिए, बिकॉज डेफिनेटली 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 उनका चक्कर किसी से नहीं चल रहा। आज हमारे साथ हमारी मेहमान होंगी रानी आपा। रानी आपा के लिए बहुत सारी तालियां, दो, वन टू थ्री एंड गो। साथ साथ ये जब नहीं बोलती तब भी बोलती हैं, मतलब अगर आप बोल रहे होते ना, इन्हें एक शिकायत होती है कि आप क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल रही। डॉक्टर मुजना इब्राहिम, बहुत सारी तालियां। दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी, इससे ज्यादा हैंडसम आदमी पैदा नहीं हुआ, और इसके बाद वो डाइट तोड़ी जा चुकी है, इसके बाद ऐसा हैंडसम आदमी बन नहीं सकता। दुनिया में खवातीन से बात करने का ढंग अगर किसी आदमी को है, खवातीन किसी के बारे में शाहरुख खान के बाद क्रेजी है, तो दैट इज डॉक्टर खुर्रम। आज क्या हो रहा है, तो आखिरी शो है मेरा आज, आज मेरा भी आखिरी शो है। कल बकरा मंडी में मेरे से एक बकरे ने पूछा मुजना कहाँ है, मैं बोला मुजना ने खुद गड़बड़ कर दी। तुम हमेशा मेरी शोभा के ही को कहती हो। हाजी अच्छा, वैसे एक बात है, एक बात है, तुम कभी जिंदगी में बकरे से लड़ी हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सीरियसली कि इंसान बकरे से लड़ता कैसे, देखना आपको। अरे तो जोर से बोलो ना, क्या है देखो। अच्छा, थैंक यू, तालियां। आजा आजा, अच्छा वैसे ये सारी मजे मजे की बातें हम करेंगे, सलमान खान को दिखाएंगे आपको कि सलमान खान बकरा मंडी कैसे जाते हैं, वो अपनी शॉपिंग कैसे करते हैं, ईद कुर्मा की शॉपिंग किस तरह से सलमान खान करें, लिटरली सलमान खान के बारे में आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये जो टमी फैट है, बेली फैट है, यहाँ ये जो टायर बन जाता है, ये किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा ख्वातीन में और मर्दों में। अगर आपके हस्बैंड और उनका बेली फैट है और वो बड़ी सी एक बेली, एक पंच सा आपको नजर आ रहा है, तो वो किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है? आप दो ग्लास बनाएंगी, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाई के लिए, अपने वालिद के लिए, अपने बेटे के लिए, किसी के लिए भी एक ग्लास आपने हर रोज रात को उस शरबत का पीना जो मैं आज आप, और आपके किचन में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हैरत की बात यह कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना, वो सारी की सारी चीज़ें आपके किचन के अंदर मौजूद हैं, और आपके किचन से मैं एक ग्लास बनाऊंगा उस ड्रिंक का, और आपको रोज रात को सोने से पहले वो पीना, और आपके टमी फैट जो है ये रिड्यूस हो जाएगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके चेहरे से 10 साल हम वापस लेंगे, लिटरली 10 साल वापस ले लेंगे एक महीने के इस्तेमाल के बाद। आप मुझे बताइएगा कि ये इसमें तब्दीली आती है या नहीं आती। एक टेलीफोन कॉल है, डॉक्टर साहबा जरा प्लीज कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, दे हंग अप ऑन मी। एक और कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही, कहां से? मैं आयशा बात कर रही हूं। डॉक्टर साहबा सबसे पहले तो आप बहुत क्यूट लग रही हैं, आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। थैंक यू। यकीनन ये कहने के लिए फोन नहीं किया आपने। कुछ पूछना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी इसके अलावा? बिल्कुल कहना चाहूंगी, आज चार्ट में साहिल भाई ने बहुत बड़ा इशू उठाया है कमी का, और ये जो हमारी जो है ना एक्स्ट्रा चर्बी जो है, जो टायर की जो हमें कह लें कि गाड़ी के चटनी का काम दे रही है जी, चार व्हील हो तो, अगर ना भी चटनी हो तो ये टायर जो है ना ये भी काम दे देगा। इतनी हेल्दी हो चुकी है हम लोग, ये सारा वेट तो लूज कर लेते हैं, लेकिन जो पेट के ऊपर की चर्बी है वो बिल्कुल ही नहीं होती, और खाने से हम लोग परहेज नहीं करते। और साहिल भाई का ये कहना है कि हम लोग बेशक सारा दिन कुछ खाते नहीं, लेकिन रात को जो ये भी
बताने वाले ड्रिंक है ना, मैं तो बहुत गौर से सुनूंगी। और दूसरी बात, मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर पेट से ही होता है, जानू ये ना पहने, जानू ये ना करें, आप ये क्या, बस इसी तरह थोड़ी बहुत हम दोनों में आपस में हो जाती है, लेकिन ये मसला इन्होंने हल कर दिया, हम स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला शायद के कहने के मुताबिक एक माह ये जो ड्रिंक है हम जरूर यूज करेंगे। ये ड्रिंक जो है ये एक महीने में नहीं, ये 14 दिन में काम करेगा, 14 डेज में काम करेगा। दूसरी एक बात, मैंने ये नहीं कहा कि आप कुछ भी खाएं, मैंने कहा सेंसिबल खाएं। आज मैं आपको उस ड्रिंक के साथ एक डाइट प्लान दूंगा, एक ऐसा डाइट प्लान जो आपको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मैंने आपके सिर्फ खाने को लेना है, जितना भी आपका खाना है, और उसको डिवाइड कर देना है। अगर आप 3 वक्त खा रही हैं तो आप सिर्फ 6 वक्त खाएंगी, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना, यू कैन ईट व्हाटएवर यू वांट टू, व्हाटएवर यू वांट टू। एक और टेलीफोन कॉल है मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन बात कर रही हैं? एक लड़की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही? मैं मिसेज एजाज बोल रही हूँ लाहौर से। मिसेज एजाज लाहौर से, आप किससे बात करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं साहिर से बात करना चाहूंगी, वो इधर आके सामने सीरियस होके खड़ा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम साहिर, कान पकड़ लो साहिर। नहीं नहीं, सीधे होके खड़े हो जाओ आप। मैं 53-54 में दाखिल हो चुकी हूँ, 62 में पैदा हुई थी। आप बात कर रहे थे बुढ़ापे की, बुढ़ापा मेरे भाई नेमत है। ये हमारे यहाँ जो पुरानी कहावत है ना, बुढ़ापा औरत बूढ़ी हो गई है तो बस जी एंड, नो नो, 40 साल के बाद ये सबसे बड़ी नेमत है औरत के लिए, आजादी ही आजादी, मैच्योरिटी और बे इंतहा इज्जत। ये बिल्कुल गलत है पाकिस्तान में कि औरत जो है बूढ़ी होकर खत्म हो जाती है, जिंदा ही औरत बुढ़ापे में होती है 40 साल के बाद। मेरे भाई इसका ऐलान करो और जरूर जोरदार ऐलान करो। और मेरे भाई बात सुनो साहेब, तुम इंडिया को इतना प्रमोट क्यों करते हो? कभी मुझे मिलो ना, मैं पर्सनल। नहीं 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 नहीं, एक मिनट दे दे दे, पहले कॉल करने से पहले सोच तो लिया करें क्या बोल रही हैं, किसने बोला है? आपने 10 मरतबा अगर मेरे शोज देखे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ, बट प्लीज मुझे मजबूर ना करें, बिकॉज बहुत आराम से मैं वो सब कुछ कह सकता हूँ जो आप कह रही थी। किसी ने भी ये नहीं कहा, अंडर नो सर्कमस्टांसिस किसी ने ये भी कहा कि बुढ़ापा गलत है। मैंने हमेशा एक बात की है, हमेशा एक बात की है कि आपकी रंगत कोई भी है, अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे माशरे में, फिर दोबारा बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा, सिर्फ बोलने के शौक में कॉल मत किया कि क्या आपको सुना जाए। नो सीरियसली, और फजूल में तुम भी किसी का, हरे पाकिस्तान में पीछे चला जाता हो, सही बोल रहा, ऐसी बात नहीं है। देखिए पहली बात तो ये, आधी बात सुन के हम किसी के बारे में फैसला नहीं कर सकते। अभी 11 सितंबर का शो देखा था, किसी ने भी इंडिया को प्रमोट नहीं किया। अभी आपने 6 सितंबर का शो देखा था, किसी ने भी इंडिया को प्रमोट नहीं किया। आपने मैडम नूरजहां की ट्रिब्यूट देखी थी, किसी ने भी इंडिया को प्रमोट नहीं किया। 10 करोड़ मरतबा अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो फ्रेंडशिप की बात करते हैं। जंगें इतनी सारी हुई, इतनी बहुत सारी जंगों के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को लूज़ किया है, उस तरफ भी लोग मरे हैं, इस तरफ भी लोग मरे हैं, इस तरफ भी शहादतें हुई हैं, उस तरफ भी लोग मारे गए, उनकी फैमिलीज़ ने भी सफ़र किया, आपकी फैमिलीज़ ने भी सफ़र किया। जंग में बेशतर हिस्सा आप अपनी पूरी इनकम का, रेवेन्यू का आर्म्स एंड एम्युनिशन पर लगा देते हैं, वो लोग भी यही करते हैं, वहाँ भी भूख पलती है, यहाँ भी भूख पलती है। अभी पिछले हफ्ते हमने एक तालीम पे शो किया था, देखा था आपने, डोंट जस्ट रैंडमली टॉक जस्ट बिकॉज यू हैव टू टॉक। और सिर्फ मैंने किया था, सिर्फ हमने, हमारी टीम ने किया था, बाकी किसी ने किया, समा ने किया था। और उसके बाद नैब ने इंक्वायरी बिठाई, कमीशन बिठाया। Did you see that? No, you didn't see that. Sahir, I don't think ki unki niyat ya heart. Yeah, dekho main ek baat batau, we need to, no, we need to grow. Dekhe, simple baat hai. Unko baat samajh mein nahi aayi. Nahi, main aapko, nahi, dekhe, main aapko, nahi. I don't want to argue. I don't want to argue with this. But we need to grow as even audiences. We just need to grow. I cannot, ma'am, I'm sorry. ये बात करने का तरीका, पहले तो मुझे लगा मजाक था कि खड़े हो जाएं, ये हो जाएं, कान पकड़ो। नहीं, और फिर अच्छा देखिए बात है, आपको नहीं देखना, आप नहीं देखिए, और ये आपके फायदे की बात है। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका चेहरा बेहतर हो जाएगा तो ये मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल,
अगर 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 हम ये बात करते हैं कि हम ज्यादा बेहतर नजर आए, पहले लोगों की उम्र 9.5-9 साल हो रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी है पाकिस्तान में कौन रिस्पेक्ट नहीं करता वुमेन की, और कब हमने रिस्पेक्ट नहीं किए वुमेन की? प्लीज यार एज ऑडियंस थोड़ा सा ग्रो करें, प्लीज डू नॉट एवर कॉल अगेन, ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, डोंट एवर कॉल अगेन, यू डोंट हैव टू वॉच आवर शो, यू डोंट हैव टू वॉच आवर शो, उससे पहले नहीं है, नहीं जस्ट देखें एज ऑडियंस, और अब मैं बहुत ब्लंट हूं इस मामले में, एज ऑडियंस हमको बड़ा होना है, एट ऑडियंस वी नीड टू रियलाइज कि हम क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने मेरे दो शोज देखे, दो शोज के बाद आप शुरू हो गए बात करना, व्हाई वुड यू से दैट, यू डोंट आई मीन नो मी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर भी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, हम माशाल्लाह से आपका रोज शो देखते हैं, आप जो एजुकेशन के ऊपर करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, और कुछ कॉलर्स अगर कहते हैं तो बुरा ना माने, नहीं नहीं बुरा नहीं, नहीं नहीं वो एक्चुअली बात ये नहीं थी, मुझे एक चीज का बड़ा इशू है, मेरी मदर जो है वो एज के उस हिस्से में है जहाँ उनकी एटमोस्ट रिस्पेक्ट की जाती है, मैंने कभी जिंदगी में डिसरिस्पेक्ट नहीं की, अगर मैं ये बात बता रहा हूँ तो ये फायदे की बात बता रहा हूँ, ये बेहतर बात है, मैं मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी होती है इमरान के हमको थोड़ा सा एज ऑडियंस ना, हमको थोड़ा सा ग्रो होना है, हमको बड़ा होना है, हमको आगे निकलना है, हमको समझ के बात करनी है, हम यार आधी बात सुनते हैं और आधी बात सुनने के बाद फैसले सादिर करते हैं लोगों के बारे में, और जजमेंट नहीं सर भाई, आप बहुत अच्छा शो करते हैं और हम लोग रोज आपका शो देखते हैं, हमारी पूरी फैमिली देखती है, और ट्यूसडे का हम बिल्कुल वेट करते हैं कि जब आप ये मुफीद टोटके बताते हैं, तो हम आज भी वेट कर रहे हैं कि आप ये पेट कम करने का और 10 साल कम दिखाने का बताएंगे, तो बस जल्दी से आप ये दिखा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से तालियां बजाते रहिए आमना करीम के लिए, White and black. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एन अस्सलाम वालेकुम। ऑल राइट, आज सुबह सुबह मुझे लग रहा है कि मैंने वाकई किसी से लड़ना है। अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि उम्र का एज का बड़ा मसला होता है। बिल्कुल। आज हम क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल, आज हम बड़ी अमदा चीजें शेयर कर रहे हैं। एक पहली इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, एक तो ऑयल बनाएंगे, एक बड़ा अच्छा सा ऑयल सर के लिए, जो बिल्कुल बालों का आपका गंजपन आता है, थिनिंग होती है, साथ साथ इस ऑयल का फायदा ये भी होगा कि आपके पट्ठों में, जोड़ों में दर्द होता है वहां भी आप लगा सकते हैं, बड़ा इफेक्टिव होगा, ठीक है। सेकेंड चीज अगेन, बहुत अच्छी क्रीम है और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ये नहीं कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, अपना केयर करना मरते दम तक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और अपना जैसे आप घर होता है उसकी सफाई रखते हैं, चेहरे की सफाई रखना, केयर करना, ये नहीं कि आप एक टाइम आ गया तो अपने आपको छोड़ दो, और एक एज के बाद तो ज्यादा करना चाहिए, हाँ ख्याल करना चाहिए, और जितनी बच्चों की ख्वाहिश होती है कि उनकी अम्मियाँ स्कूल जाएं तो वो अच्छी लगे, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, कौन चाहता है कि उसकी माँ या कोई बहन बुरी लगे, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, और सबसे आखिर में हम एक चीज़ करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक ड्रिंक होगा जो एलर्जी को, अस्थमा को बड़ा क्लियर करेगा और आपके तमाम जो इन्फेक्शन। अच्छा, आजकल जो कोल्ड साइनसिस का बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके उसके लिए कारामद होगा, बहुत अच्छा। और जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे और हम उधर चले जाएंगे, आप लोग भी तैयार हो जाइएगा। आपको आज का शो इसलिए देखना है, उसमें 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि सलमान खान बकरा मंडी में शॉपिंग कैसे करते, वो हमने आपको दिखाना है, ऑनेस्टली दिखाना है, और और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेट की चर्बी है, सीरियस वाई साहे ने आज बड़ा अटैक कर दिया हम लोगों का, मामला आज बंद होने वाला है, सब वही सुनेंगे आज, दो चीजें मैं हिल गई थोड़ी सी, दो चीजें हैं, पेट की चर्बी कैसे खत्म की जाती है और 10 साल कैसे वापस लिए जाते हैं उम्र के, 10 साल, अगर आप 40 के तो 30 के लगेंगे, 30 के तो 20 के लगेंगे। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, वो ब्रेक जा, गुड मॉर्निंग। स्वागत नहीं करोगे आप? क्या वैसे क्या मतलब है, क्या मतलब है, क्या मतलब आप लोग जाली वाला क्या मतलब है यार, ये आपने गलत बात करी डॉक्टर साहब, क्या जाली वाला है, असर हो जाता है ना, क्या मतलब आप खुशी नहीं देखी जाती, मैंने कहा खुश क्यों है,
तो मैं खुशी छीन लूंगी। अच्छा जी, अच्छा आज हम लोग करने क्या जा रहे हैं, उधर चले क्या? चले आ जाइए, तालियां बजाइए जी, हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कुछ। रानी क्या पकाने, रानी आपा के टोटके होंगे, रानी आपा के टोटके होंगे, और साथ साथ आप याद रखिएगा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टमी फैट, ये बेली फैट कैसे रिड्यूस किया जाता है। आपने खाना वही रखना है, डाइट वही रखनी है, डाइट के पोर्शंस में चेंज कर दूंगा, आपके जो खाने के पोर्शंस हैं वो चेंज कर दूंगा, साथ साथ आपको बताऊंगा कि आपका ये जो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है ये किस तरह से रिड्यूस होगा, ये मैं आज आपको, मैं खुद बताऊंगा आपको, एक ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा जो आपके किचन के अंदर मौजूद चीज़ों से बनेगा, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक रुपया स्पेंड करने की जरूरत नहीं, जो आपके घर में आप उसी से बना सकते हैं, और साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि आपके चेहरे से 10 साल हम कैसे छीनते हैं, ऐसे छीनेंगे 10 साल, आई प्रॉमिस यू, 14 दिन बेली या टमी फैट के लिए, 14 दिन और चेहरे के लिए 1 महीना, और उसके बाद लोग कहेंगे आप कुछ बदल सी गई हैं, क्या वजह है कुछ बदल सी गई हैं। डेनियल आइए जी, हाँ जी जी, रानी आप से पहले आज जो डॉक्टर साहब कहाँ हैं, वो आ रहे हैं, अच्छा वो आ रहे हैं, अच्छा, आज हमारा जो प्रोग्राम है मिर्चों पर है, सभी लोग जानते हैं कि ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि मिर्चें सिर्फ नुकसान देती हैं, और हमने दो मिर्चें बुलाई भी हैं, हाँ जी, और ये मिर्ची भी कितनी खूबसूरत है, और इसके साथ में ये जो सुर्ख मिर्च है ये वाकई नुकसानदेह है, इसको खाने से हमें मेदी का प्रॉब्लम हो जाता है, अक्सर जो बहुत ज्यादा सुर्ख मिर्च का, यार वैसे एक बात बताओ, ये दाल में बहुत अच्छी लगती है, माश की दाल में बहुत अच्छी लगती है, हाय हाय माश की दाल में कमाल लगती है, साथ साथ ये वैसे किसी भी दाल में बहुत अच्छी लगती है, ये मिर्च मुझे बहुत पसंद है, हरी मिर्चें और तमाम मिर्चों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन सी अगर हम समझते हैं कि एक ऑरेंज हमने खाया उसमें विटामिन सी ज़्यादा है और मिर्च में कम है, तो ये यकीन कर लें कि एक ऑरेंज से 7 गुना ज़्यादा एक मिर्च में विटामिन सी मौजूद है। सीरियसली? जी, तो मैं अगर ये खा लूँ, ये ज़्यादा फायदा नहीं देगा, हरी मिर्ची ज़्यादा, हरी ये वाली बहुत फायदा देगा, जी जी, इसमें 7 ऑरेंजेस से विटामिन सी, आप लोगों में को खाना चाहता है कोई, आप खाना चाहती नहीं, आप नहीं, कॉफी के साथ आप है ना, कॉफी के साथ इसका कोई मेल नहीं। अच्छा, अब हम आज जो एक गंजपन का इलाज बताने जा रहे हैं, यानी जो बालचर हो जाता है हमारे सर में उसके लिए, उसके साथ ये हम शिमला मिर्च के साथ हम ये आपको एक लोशन बताने जा रहे हैं, और मिर्च की एक खूबी ये है कि ये खून में जज्ब हो सकती है, और जब कोई चीज़, कोई भी दवा, कोई जड़ी बूटी हमारे खून में जज्ब होकर काम करना शुरू करती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो मिर्च जलेगी नहीं? नहीं, ये हमने इसके लिए शिमला मिर्च ली है, और इसको मैं पहले से भर के लाई हूँ कि एक हम जो गंजपन का इलाज बताने जा रहे हैं उसमें ये शिमला मिर्च है, जी हाँ, इसमें हमने मेथी दाना ये मैंने भर लिया था पहले से, जी ठीक है जी, मेथी दाना आपने भरा हुआ है, और ये कलौंजी ओके, और इसके साथ हमने आप इसको तकरीबन 8 दिन पहले भर के रख दीजिए, ये जितना मिर्च मुरझाती रहेगी उतना ज्यादा इसके अंदर फायदा हासिल होता रहेगा। ये क्या है बीच में? ये हमारे पास कलौंजी है और मेथी दाना है, और ये एलोवेरा का पल्प, ये 3 चीजें हैं जो गंजपन का इलाज हम इससे करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये गंजपन तो किसी में भी हो सकता है, वाकिंग में भी, मर्दों में भी, तो आज हम आपको गंजपन का इलाज सब बता रहे हैं। एक शिमला मिर्च ली, उसके अंदर एलोवेरा का पल्प डाला, एलोवेरा का पल्प डालने के बाद इसमें ये मेथी दाना इंक्लूड किया, और साथ साथ ये कलौंजी जो है वो डाल दी, थोड़ा सा म्यूजिक चला दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ, बहुत जरूरी कि जब एलोपेशिया गंजपन हो तो उसकी जो कोर रीजन या वजह है उसको मालूम करने की कोशिश करें। अगर ऑटो इम्यून है, ऑटोइम्यून का मतलब ये कि आपका अपना जिस्म उसके वो टारगेट करता है हेयर के फॉलिकल्स को, तो वो फिर इन चीज़ों से या दूसरी दवाओं से ठीक नहीं होती इतनी आसानी से, उसके लिए फिर आपको दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। बाकी जो बालों की थिनिंग होती है, फंगसेस जब लग जाते हैं, अक्सर कुछ लोगों को ना कुछ पैचेस में से बाल गिरते हुए उनको नज़र आते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और साथ साथ में एंटी फंगल क्रीम लगाना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी इस किस्म का कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि ये हर्बल है इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं है। और इसमें हम डालेंगे खालिस सिरका 1 कप। अच्छा, अब आप ये जरूर डालिए, लेकिन एक टेलीफोन कॉल है पहले वो लेते हैं। डॉक्टर साहब आप लीजिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम
जी सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ साहिर भाई, मुझे आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। साहिर भाई छुट्टी भी गए हुए छुट्टी भी गए, इंशाल्लाह एक हफ्ते में आ जाएंगे। पूनम भाई हैं अभी। पूनम भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूनम भाई, आपके नुस्खे बहुत अच्छे होते हैं। अरे वाह, अच्छा ये बताइए साहिर की आपको सबसे बड़ी खूबी क्या लगती है प्रोग्राम में? क्या चीज ऐसी लगती है जो और शो से डिफरेंट लगती है? बहुत सारे शोज आते हैं, क्या चीज डिफरेंट है? बहुत अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं। हाँ, और स्टाइल कैसा लगता है? कि गुस्से से होता है, जरा गुरूर के साथ होता है, या बड़ा हम्बल ज्यादा हो जाते हैं? हम्बल कम कराते हैं इनको? बहुत फ्रेंडली होते हैं। ज्यादा हो जाते हैं ना? बहुत फ्रेंडली होते हैं। ज्यादा होते हैं? नहीं नहीं नहीं, इतना होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा चलो चलो ठीक है। जी जी बोलिए बोलिए। 11 सितंबर का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। थैंक यू जी, बहुत बहुत आपने वो दिखाया जो हम किसी ने हमें नहीं दिखाया था पहले। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपकी वो एजुकेशन वाला प्रोग्राम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, साहिर लोधी से बात करवा दे। जी जी मैं भी आपकी साहिर लोधी से बात करवा देती हूँ। जी सलाम। कौन बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है साहिर भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और आपने जो ये हॉस्पिटल खोला था ना, उसके लिए तो मैं उससे ज्यादा फैन हो गई आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लिनिक जो खोला, अब जो हॉस्पिटल की बात हो रही है। जी जी, वहाँ मैं ऑफिस भी आई थी। अरे थैंक यू, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, और आप जो गरीबों की मदद कर रहे हैं बहुत, उसके लिए अल्लाह। और साहिर भाई मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे 4 साल से कॉल कर रही हूँ लेकिन कॉल ही नहीं लग रहा था। आप आ जाइए, इधर आ जाइए, समय पे आ जाइए। आपने क्लिनिक की बात की है तो थैंक यू सो वेरी मच। एक थोड़ा सा क्लियर करने चीज, हम किसी की मदद नहीं करते, अल्लाह मियां करते हैं। मैं नहीं होता तो कोई और ये काम कर लेता, लेकिन करता ज़रूर। तो प्लीज़ जब भी आप मुझे कोई क्रेडिट देते हैं तो वो ना दीजिए, हम सिर्फ काम करते हैं और अल्लाह मियां बस उसके लिए करते हैं, बस अल्लाह मियां करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक और टेलीफोन कॉल है हम ना, ठीक है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है? अदीबा बात कर रही हूं झेलम से। जी किससे बात करनी है? शहर भाई से। मैं बात कर रही हूँ, बोले। हाँ जी, डॉक्टर को हमसे पूछना था कि मेरी सिस्टर की चेहरे पे ना छाई है, तो वो कोई अच्छा सा टोटका बता दे। किस चीज का? बिल्कुल छाई है और टोटका बिल्कुल अच्छा। अच्छा बहन का ये कि खुराक अच्छी देती है आप? बहन को खाती पीती सही है बहन? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आज अच्छी सी क्रीम बनाऊंगा, आप जरूर देखिए बहन के लिए। बड़ी मल्टी बताइएगा ज्यादा, वो अपना अजीब से बता देते हैं। उम्र क्या है? तो मिलती नहीं है हमें। नहीं मैं बहुत आराम से बताऊंगा, आप बेफिक्र हो, ठीक है? बहन की उम्र क्या है? 20। ओके अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, झाइयों के बारे में पता करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हमने गंजपन का शुरू किया था उसके बारे में जानते हैं। अब ये बता दीजिए एक मर्तबा फिर, क्योंकि आप सब कोई किसी को याद नहीं रहेगा, सबसे पहले बताइए। जी आप बता दीजिए प्लीज। आप बताएं। एक शिमला मिर्च ली हमने, ठीक है, और इसको बीच में से हमने काटा, ठीक। इसमें हमने एक टुकड़ा एलोवेरा लेकर इसमें डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने ये कलौंजी, ठीक है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, ओके, और 1 टेबल स्पून हमने ये मेथी दाना डालकर और इसको बंद कर दिया एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते के लिए जी। अच्छा ये फ्रिज में रखना है या वैसे? नहीं नहीं, वैसे धूप में रखते हैं कि ये सूखता रहे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको खालिस सिरका जो हमारे पास है, वो गन्ने का हो, सेब का हो, अंगूर का हो, या कोई भी आप लेकिन खालिस होना चाहिए। बिल्कुल खालिस, ठीक है। खालिस सिरका बजाते खुद एक गंजपन का इलाज है, okay। और ये तमाम चीजें जो हमने इसके अंदर ये शिमला मिर्च डाली, इसको ज्यादा हमें इफेक्टिव करने के लिए कि ये स्किन पर, चूंकि मिर्च जो है खून में शामिल हो जाती है, जैस हो जाती है, तो ये फंगस को जल्दी से खत्म कर देगी। अच्छा एक और सेकंड, एक डिस्क्लेमर बहुत जरूरी, क्योंकि कैप्सिकम इसमें है और इसमें एक कैप्सेसिन है जो कि एक इरिटेंट, एक इरिटेंट है। मेक श्योर कि अगर आपको सर में खारिश होती है और आपने स्किन को ब्रेक किया है, अगर आपने ब्रोकन स्किन के ऊपर विनेगर और कैप्सेसिन का कॉम्बिनेशन लगाया तो बहुत जलन होगी और बात और ख़राब होगी। लिहाजा मेक श्योर कि आप जिस स्किन पे उसको लगाएं वो ब्रोकन ना हो, उसमें स्क्रैच ना हो,
और जब गंजपन होता है तो स्किन ब्रोकन नहीं होती बल्कि स्कैल्प आपका चिकना हो जाता है बिल्कुल और उसके पोर्स टाइट हो जाते हैं और पोर्स एक तरह से डिपेंडिंग ऑन कॉज ना जी जी जिनको फंगस या ड्राइनेस की वजह से होती है उसके लिए है अच्छा हम कंफ्यूज ना करें लोगों को क्योंकि ये आपकी बात से भी कंफ्यूज हो जाएंगे और इनकी बात से बिल्कुल ये बाल चर के लिए जो गंजपन हो जाता है और स्किन चिकनी हो जाती है सबसे पहली बात तो है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए बिल्कुल दिस इज वेरी हर्बल ठीक है इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए नुकसानदेह है लेकिन याद रखिए कि अगर आपके आपके स्किन पे कोई खराश आई हुई है कहीं से ब्लड निकल रहा है जख्म बना हुआ है तो उसको इस्तेमाल ना करें दैट इज ऑल हाँ जी उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और जिस तरह के हम देख रहे हैं अच्छा ये खालिस ही कहाँ मिलता है जी खालिस रहता है लेकिन कहाँ जो ये आपके तमाम शॉप पे मिल जाएगा खालिस कहकर और अगर दूसरा हम वाइट विनेगर लेंगे तो वो सिंथेटिक होता है वो फायदा नहीं देगा बहुत अच्छा ठीक है आखिरी वॉश करें जब जब से आप करें तो फिर सिरका डाल के तो वो भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए अभी यूज़ मैंने सुना है लेकिन करने का मौका नहीं आया और हो गया आई थिंक हो गया निकाल लीजिए और बालों की तमाम प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ही फायदा देता है मैं कह रहा हूं जी इधर जी ओ फंस गया जग को नहीं नहीं जग खुल ना जाए जी हां जग खुल जाएगा बस हमारा ये जो आइटम है वो के ये निकल आया वो ना गिरे आर यू रेडी हां जी जरा दीजिएगा ये तो कोई पीने वाली चीज नहीं वो वाइट वाले उसमें अगर हम ले लें ओके इसमें इसमें ये वाला लाइक अच्छा जी ये बन गया है और इसको आप कितनी देर तक लगाना है इसको आप रात को लगा लें या पूरे दिन लगा के रखें ये जज्ब होता रहेगा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेथी दाना बजात खुद बालों के लिए बहुत बेहतरीन है और कलौंजी के बारे में तो आपको पता ही है कि अलावा मरज़ुल मौत के हर मर्ज की दवा है और एलोवेरा में भी ये तासीर है कि वो स्किन की फ्लिंग करता है और इस बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके बालों को शाइनिंग देता है आपके पोर्स ये जो पोर्स आपके बिल्कुल स्कैल्प चिकना हो जाता है उसको खोलेगा पेनिट्रेट होगा और इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा अच्छा जी एक मरतबा फिर इसको रिकैप करते हैं आपने ये मैं बालों के गंजपन का इलाज बता रहा हूँ एक आपने कैप्सिकम ली यानी कि ये शिमला मिर्च ली उसको बीच में से काट लिया काटने के बाद इसके अंदर एक पल्प जो है वो एलोवेरा का डाल दिया और वो टुकड़ा एलोवेरा का डालने के बाद उसमें आपने कलौंजी डाली और साथ साथ मेथी डाला फिर उसके बाद धागे के साथ उसको बांध दिया और उसको 7 दिन के लिए रख दिया 7 दिन के बाद उसको निकाला इसमें डाला और साथ साथ तकरीबन 1 कप सिरका इसके अंदर मिला दिया खालिस सिरका जो किसी भी चीज़ का हो सकता है गन्ने का हो सकता है सेब का हो सकता है किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ का वो मिला दिया खालिस सिरका उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया और उसके बाद ऐसे बोल में निकाल के रख लिया पूरा दिन आप इसे लगा सकते हैं लगा के छोड़ सकते हैं या फिर रात को लगा के सो जाएं और सुबह उठ के नॉर्मल शैम्पू से बीबी शैम्पू से जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है वो चाहता है कि जल्द अज जल्द मेरे बाल अच्छा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि मैं सिर्फ अपने बालों को हेल्दी और थिक बनाना चाहती हूं तो मैं फिर भी लगाऊं ये बिल्कुल आप अगर खाली आप उसके लिए लगाना चाहती हैं तो 2 घंटे के लिए लगाइए ये तो एक मर्ज के लिए कि आपके जो स्कैल्प अच्छा लेकिन वैसे लगाया जा सकता है बहुत बहुत ज्यादा बालों को आपके शाइनी करेगा हेल्दी करेगा काला करेगा साथ चेहरे से 10 साल कैसे वापस लिए जाएंगे छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक स्वागत नहीं करोगे आप अच्छे से बजा दो दबन का म्यूजिक बजा दो यार क्या हो गया तुम लोगों को क्या हो गया जरा थोड़े से जाग जाओ तुम लोग भी 1 2 3 म्यूजिक बैंड के लिए बहुत सारी तालियां दी दबंग 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 दीजिए दबंग दीजिए दबंग दीजिए गो 1 2 3 दबंग 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 तो डिलीट करो याद नहीं तुमको तेरे मस्त मस्त दो नैन इतना नहीं इसका म्यूजिक बढ़ा दो मुझे भी आवाज आए तुम भी सोए हुए हो आज सबने डिसाइड किया हुआ है थोड़ा सा लाइफ लेके आओ मुझे गाना नहीं है सिर्फ ये देयर वी गो थैंक यू अच्छा जी डॉक्टर साहब क्या करने जा रहे हैं जी सर
अच्छा किसी भी किस्म की कोई भी सेंस किसी को भी अब नहीं रही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, ये सेल्फी ले रहे हैं। आपने बोला था जी, आपको पता हम लाइव है। एक पता एक वो होता है कि आप कोई काम करें खुशी से, एक गंदी मछली आके पूरे यार सुनो यार क्या क्या गाना है, जरा लगाना और लगाना, जरा तेज करना। अरे वाह, आखिर को सलमान भाई काम आए, मूड को बेहतर करने के लिए भाई काम आता है, भाई के अलावा कोई नहीं, भाई वी लव यू भाई। अच्छा जी जी सर, अच्छा एक बड़ा अच्छा ऑयल भी बनाऊंगा आज, इंशाल्लाह टाइम बचा तो, कि सारे ने बड़े खतरनाक ऐलान किए हैं चीजें बनाने के, मगर एक जरूर एक हम लोग को बड़ा खतरा हो रहा है, हम लोग बड़े परेशान है, जो कुछ सीखा आप लोगों से सीखा ये, अच्छा ये हम लोग करते रहेंगे, ये हम लोग ऊपर से हाथ फेरते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा दूसरी बात ये कि बड़ी अच्छी क्रीम बना रहे हैं, वाह वाह, और सर इसके बड़े फायदे देखो यार, अब मजा आया ना, मूड एक तो आपका रंग बड़ा निखारेगी और आपकी झाइयां झुरियां आ रही होती है, खातून ने भी कॉल किया था अपनी बहन के लिए, उनकी झाइयां खत्म हो सकती है, जेलम वाली लड़की थी हमारी उनके लिए है। अच्छा तो बहन जरा गौर से सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर। अच्छा एक चीज अभी ऐड नहीं करेंगे, आखिर में ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो आपके एक क्रीम आपका चेहरा बड़ा फ्रेश करेगी। अच्छा उसके जिन लोगों को चंबल या खारिश हो रही होती है, जिसको एक्जिमा कहते हैं अंग्रेजी में, उसको बड़ा इफेक्टिव होगी थी। और थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक चीज आखिर में ऐड करेंगे तो जोड़ों के दर्द के लिए भी। अच्छा मुझे बताएं हम ये 2.5 मिनट में बना सकते हैं? बिल्कुल बना, नहीं बना सकते, अगर हम नहीं बना सकते तो हम अगली ब्रेक के अंदर, मेरा ख्याल है कि सर इसको हम ऐसे बताते हैं कि 2.5 मिनट में बड़ा तेजी करनी पड़ जाएगी, फिर अगली ब्रेक में दिखाएंगे ना, अगली ब्रेक में बना। अच्छा ये जो हम क्रीम अभी आपको बनाना सिखाएंगे, इससे आपकी झाइयां दूर हो सकती है, बिल्कुल आपके चेहरे की रंगत जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, वो निखर सकती है, साथ साथ आपकी स्किन टाइट होगी, बिल्कुल। और एक और काम होगा जो बड़ा अच्छा है, अगर किसी को चंबल की शिकायत या खारिश की शिकायत है तो वो खारिश जो है वो दूर हो जाएगी। अच्छा नॉर्मली जब वेदर चेंज होता है डॉक्टर साहब, तो बड़ी शिकायतें हो जाती हैं, स्किन एकदम, अब सर्दियां आने वाली हैं, ड्राई हो जाएगी, ड्राई हो जाती है, तो ड्राई स्किन के लिए पांव जो है वो फटने लगते हैं, एड़ियां फट रही हैं, एड़ियां फटने लगती हैं, बिल्कुल। टेल मी कि उसके लिए क्या करना चाहिए? ये इसके लिए भी बिल्कुल इफेक्टिव है, एक्जिमा को खत्म करेगी, क्योंकि जो क्रीम एक्जिमा को खत्म करती है वही आपकी फटी हुई एड़ियां और आपकी जितने क्रैक हील होती है। उसके अलावा एक बड़ा इशू होता है खवातीन का कि हाथ पैर बिल्कुल, सर्दियां शुरू होती है मौसम तो अच्छा होता है मगर वो काले हो जाते हैं, तो उनको ये बिल्कुल साफ भी करेगी, बिल्कुल क्लियर करेगी। अच्छा देखिए इसमें भी ये शिमला मिर्च होगी जी, बिल्कुल। और शिमला मिर्च अभी जैसे कि बात हो रही थी जी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन सी है जो स्किन के लिए बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप दोनों से पूछनी है जी, मुझे बताइए कि जैसे भाई सर्दियां आती हैं तो लोग धूप में बैठना पसंद करते हैं, अब धूप में बैठना तो एक अलग बात है पर रंग भी उससे काला हो जाता है, बिल्कुल। कुछ लोग सन ब्लॉक लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते, तो वो लोग जो सन ब्लॉक नहीं लगाते वो क्या करें? बिल्कुल। अच्छा एक तो सर कोशिश करनी चाहिए कि आप जो अगर सूरज चाहते हैं के लिए बहुत अच्छा है, एक तो शाम 4 बजे के बाद और सुबह 10 बजे से पहले सूरज विटामिन डी बहुत देता है और आपकी जो अल्ट्रा वायलेट वो रंगत पे नहीं बल्कि आपको और अच्छा निखार देता है। अच्छा जो दरमियानी है हाँ जो निखार आ जाता है ना, और जो बीच का टाइम है वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है उसको, अगर आप ज्यादा धूप लेते हैं तो आपके रिंकल ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा अगर गोरी स्किन है तो फ्रैकलिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बहुत जैसे ऑस्ट्रेलिया में बरतानवी लोग हैं या यूरोपियंस बहुत सेटल डाउन है तो वो उनको कैंसर बहुत हो जाता है। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद 10 बजे के बाद जब हम कंटिन्यू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहे हैं। 10 बजे के बाद का जो शो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कि हम आपको पेट की चर्बी ख़त्म कैसे करते हैं ये बताएंगे, साथ साथ आपके चेहरे को 10 साल मजीद यंग कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे, आपके चेहरे के रंगत को निखार कैसे सकते हैं, गोरा कैसे बना सकते हैं वो बताएंगे, साथ साथ स्किन टाइट कैसे हो सकती है वो बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक होगा, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग। स्वागत नहीं करोगे आप?
तालियां तो होनी चाहिए, सलमान खान आने वाले हैं। जोर से तुम लोग तालियां नहीं बजाओगे तो सलमान खान नहीं आएंगे। तालियां। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तुम लोग क्या कर रहे हो वहां पे, इधर आ जाओ। और आप लोग ज्यादा तालियां बजाएं ताकि आपको मोबाइल दिए जा सके, साथ साथ आप लोगों को कुछ पासेस दिया जा सके, और हो सकता है एक बकरा भी दे दे हम लोग। तालियां। जैसे पर्वत पे खटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे खटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूँ, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूँ, मेरा बस ले तो दिल चीर के दिखा दो। हाँ मैं तेरी याद में सबको भुला दूँ, दुनिया को तेरी तस्वीर बना दूँ, मेरा बस ले तो दिल चीर के दिखा दूँ। ओ रोक नहीं सकती नजरों को दुनिया भर की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। तेज कर दो, तेज कर दो, तेज कर दो टेम्पो, तेज कर दो। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों से इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? यार पता नहीं क्या, आई सी सलमान खान। अच्छा, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सलमान खान, इट्स अबाउट द वर्क दैट ही डज। ऑनेस्टली मैं मुझे कहने में कोई आर नहीं कि आई नेवर यूज टू लाइक सलमान खान,
लेकिन द मोमेंट आई हर्ड अबाउट बींग ह्यूमन आई स्टार्टेड लाइकिंग हिम आई स्टार्टेड लविंग हिम एंड टुडे आई डोंट थिंक मैंने जिंदगी में किसी को इतना पसंद किया है जितना मैं सलमान खान को पसंद करता हूँ इट्स नॉट बिकॉज ही इज अ ग्रेट एक्टर इट्स नॉट बिकॉज ही इज अ सुपर स्टार इट्स बिकॉज ही इज एक्चुअली अ ह्यूमन एंड ही इज एक्चुअली अ ह्यूमन और मुझे इंसानों से प्यार लिटरली मुझे इंसानों से प्यार है और कमाल तो आपके इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई सलमान खान बकरा मंडी गए थे मवेशी मंडी गए थे अब क्या किया उन्होंने ये तो नहीं पता बताइए देखते हैं सलमान खान स्वागत नहीं करोगे आप दबंग खान पहुंचे हैं मवेशी मंडी अपनी तरह का दबंग बैल लेने रेट सुने तो कानों को हाथ लगाए ये बैल कितने का है ये 4.5 लाख क्या 4.5 लाख रुपए का जी भाई क्या 4.5 ये दो का नहीं पूछा मैंने सिर्फ एक का पूछा है मैंने कि ये बैल कितने का है भाई मैंने आपको एक का बताया पूरी गाय मंडी छान मारी बात ना बनी तो बकरा मंडी का रुख किया पर यहाँ भी आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर स्टार को दिन में तारे नजर आ गए इसका 30,000 रुपए रेट है ओ खुदा का खौफ है कानों को हाथ लगाओ यार अल्लाह को जान देनी है दबंग खान ने गनीमत जाना और अपनी तरह बॉडी बिल्डर जानवर के बजाय कमजोर जानवर पर ही इक्तफा किया अच्छा चले ना आपका ना इनका 20,000 21,000 में फाइनल करें चले आप समा की तरफ से आए समा की तरफ से 21,000 का आपको खरीद ने तो बैल आया था लेकिन कीमतें देखकर फिर अभी फिलहाल तो बकरा ही लेके जा रहा हूँ बकरा खरीद कर चले तो फैंस ने घेर लिया सेल्फीज बनवाई और खूब हल्ला गुल्ला किया यार वैसे वाकई लगता है ना सलमान खान बिल्कुल हाँ बिल्कुल लगते हैं अच्छा डॉक्टर साहब आप भी मुझे कोई रिमाइंड करवाते हैं जी सर हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम है डॉक्टर खुर्रम अच्छा उनको उनका रिमाइंड करा हाँ खुर्रम मुशीर बना लुक एट यू मुझे नहीं पसंद मुझे आप लोगों को पसंद है डॉक्टर साहब अच्छा जनाब हम आपको बेली फैट का बताने जाएंगे लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त हम क्या कर रहे हैं हम लोग तो बड़े परेशान हैं आज है ना जी बड़े अच्छे है ना आपने क्रीम बतानी क्रीम बना रहे हैं बड़ी अच्छी सी क्रीम है अच्छा झाइयों के लिए है झुर्रियों के लिए है पिगमेंटेशन के लिए है और या आप जब भी आपकी इंटरप्शन के लिए तैयार हो अच्छी वाली ठीक है अच्छा बहुत फैमिली शो है ना एक इधर बैठा हुआ है यहाँ बैठा हुआ है दो तीन वहाँ खड़े हुए किचन का काउंटर लगा हुआ है आप लोग बैठे हुए हैं पिक्चर्स बनवा रहे हैं पिक्चर्स बनवा रहे हैं लाइव शो के अंदर पिक्चर्स बन रही हैं और एक आदमी है जिसे सिवाय खवातीन की पिक्चर्स बनाने का कोई काम नहीं है इधर आ जाइए चेहरा मत दानियाल को कुछ नहीं कहना चाहिए ये चेहरा मैं तुम सबको दिखाना चाहता हूँ इसकी मासूमियत पे मत जाना ओए ओए ये इसके इसके ये इतना पुराना पापी है लीव हिम अलोन आप क्या लीव हिम अलोन दानियाल कोई नहीं दानियाल तुम ठीक हो खींचो पिक्चर्स क्लिक करो बस हमें तो ऐसा अब शो करें यार आप एक बात बताओ तुम तुमको औरतें बचाएंगी अब सीरियसली यार मैम दिस इज जी दोनों शूट कराती होंगी फ्री में नहीं सबसे पहले पिक्चर्स हमें सेंड करता है यार जी बाहर ये फोटोग्राफर जो तस्वीरें लेता exactly. भी और उसके बाद देता भी आपको देता होगा मैं मुझे क्यों नहीं देता हर शो में जाओ दूसरी बात और एक बात इसके इस फोटोग्राफर के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ गिनीज बुक में ये रिकॉर्ड है ये किसी जिंदा मर्द की तस्वीर नहीं लेगा मुर्दा खातून का जनाजा हो तस्वीरें लेने लगता है नहीं मैं जॉर्ज बुश बोल रहा हूँ आपका प्रोग्राम नहीं देख रही ना लाइट चली रही हम भी देख रहे हैं लेकिन हमारी लाइट चली अच्छा अच्छा मुझे बताइए आपको शो में डॉक्टर खुर्रम साहब कैसे लगते बहुत अच्छे लगे कितने अच्छे आधे घंटे का प्रोग्राम देखा उसके बाद चली गई लाइट
सॉरी जी सॉरी। अच्छा अभी हम इसका क्रीम बनाना सिखा रहे हैं, कुछ सवाल है आपका मुझे आपसे, वो जो पैट जो अंदर करने का नुस्खा बता रहे थे ना, उसका पता करना था। अच्छा बस अब आप देखते रहिएगा शो, अब तो देख ही नहीं सकते आप। भाई अब थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं, थोड़ी देर के बाद। वो तो हमारी तो लाइट तो भी 11:30 बजे आएगी। रिपीट देख लेना बस, तो रात को रिपीट, सुबह 4 बजे होता है रिपीट, रिपीट लेट होता है ये। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कि कल भी मैं इसको रिपीट कर दूं, कोशिश मैं ये करूंगा। एक टेलीफोन कॉल और है और उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक साहिब भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं बहन? जी अल्लाह का शुक्र है। साहिब भाई मैंने डॉक्टर खुर्रम से कुछ पूछना था बालों के बारे में। हाँ जी, और एक आप बता रहे हैं कि पेट की चर्बी कम कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, पूछिए डॉक्टर साहब बालों के बारे में बताएं। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैंने ये पूछना है कि मेरे बालों में बहुत ज्यादा ना खुश्की है। खुश्की है बिल्कुल। हाँ जी जी। अच्छा, और बहुत रफ से ना रूखे रूखे से रहते हैं। बारिश होती है सर में? जी जी बिल्कुल। आपकी स्किन वैसे ओवरऑल ड्राई है या सिर्फ सर का इश्यू है? ड्राई है, ड्राई है, ड्राई है। अच्छा अच्छा, अभी हमने बताया था, अभी हमने बताया था वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर साहब भी आपसे बताएंगे। डॉक्टर साहब पहले इनको बताते हैं, पहले क्रीम बनाएं? पहले इनको जल्दी से बता के फिर क्रीम बनाते हैं। अच्छा देखिए, खुश्की जब ये है कि बहुत ज्यादा पूरे सर में रहती है आपके मुस्तकिल पूरा साल। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा ये उनको जो बहुत ज्यादा खुश्की और खारिश भी आती है, इसको कहते हैं सेबरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है? उर्दू में जिसको खुश्की भी कहते हैं, सेबरिक डर्मेटाइटिस, आप नेट पे भी गूगल कीजिएगा। बहुत सिंपल नुस्खा बता रहा हूँ, एक टैबलेट आपको पूरे पाकिस्तान में हर जगह मिलेगी, कराची से लेकर कश्मीर तक हर जगह एक टैबलेट आएगी, फ्लूकोनाजोल FLUCONAZOL 150 मिलीग्राम की, हफ्ते में एक टैबलेट खाइएगा 3 माह तक, ठीक है? Okay. अच्छा और सर पे क्या लगाना है आपको, बड़ा सिंपल सा, एक लोशन आप बनवाएंगी या खुद घर में बना ले, आप क्या करें जी, एक बिल्कुल साफ सुथरा 1 लीटर पानी, ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगी थोड़ा सा बेंजाइल बेंजोएट, ठीक है, लोशन होता है, और उसके साथ ऐड करेंगी थोड़ा सा कॉपर का सोल्यूशन आता है, ये तमाम चीज़ें आपने मिक्स की और बालों की जड़ों में रोजाना लगाया, और उसके बाद आपने क्या किया जी, आंवला रीठा सिकाकाई का अर्क निकाला और इसके अंदर एक शैम्पू आता है जिंक पायरेथॉन, वो मिला दिया, इससे बाल धोएंगे। और कोशिश करेंगे जी अपनी गिजा में तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, गोश्त कम करें, सब्जियां, फल, दालें ये बढ़ा दें। बिल्कुल जी, अब डॉक्टर साहब जो हैं वो आपको बता रहे हैं चेहरे की झाइयां दूर करने के लिए और चेहरे को व्हाइट करने के लिए क्रीम बता रहे हैं। उसके फौरन बाद मैं आपको बताने जाऊंगा कि पेट की चर्बी को कम कैसे किया जा सकता है, और बिल्कुल लास्ट ब्रेक में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके चेहरे से 10 साल आप वापस कैसे ले सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया जी, एक छोटा सा गुच्छा अंगूर का, ठीक है, ये अंगूर हमने डाले, ये बड़ा अच्छा डंडियों के साथ डाल दिया, डंडियों के साथ बहुत टाइट करेगा, बहुत अच्छा होगा। अंगूर में दुनिया का बेहतरीन बोटॉक्स मौजूद है। जी बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल बेस्ट होता है, ठीक है। कैप्सिकम, ये हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड की, और ये बिल्कुल इतना आपको चेहरे पे महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन ये जितना जार है इसका हाफ, इसका आधा शहद, खालिस शहद, ठीक है, ठीक है जी। ये हमने शहद भी डाल दिया, इसके साथ ऐड करेंगे जी हाफ कप होगा, हम बिल्कुल 4 से 5 चम्मच हम लोग ऐड करेंगे, तकरीबन 6 चम्मच बड़े वाले बेसन, ओके, ठीक है, बेसन या आप जौ का आटा भी कर सकते हैं, ठीक है, बेसन डाल दिया, बेसन तो डाल दिया, रियली गुड, बिल्कुल जौ का आटा, ओट भी, बिल्कुल जौ का आटा ओट भी डाल सकते हैं, बेसन है वो बड़ा स्क्रबिंग, 4 से 6 चम्मच बिल्कुल, ओके, ठीक है। इसके साथ हम डालेंगे जी खालिस बकरी का दूध, खालिस बकरी का दूध, ठीक है, ठीक है, बकरी के दूध में भी बहुत ज्यादा वाइटनिंग मौजूद है, वाइटनिंग होती है नेचुरली करेगा, ठीक है जी। अच्छा इसके साथ ऐड करेंगे ये विटामिन सी की 5 से 6 टैबलेट थी हमने क्रश की, ठीक है, ये रंग बड़ा आपका नेचुरली निखारेंगी, किसकी? विटामिन सी का, ठीक है, इसकी क्रीम भी आती है, आपको कहीं से भी मिल जाती है, और मिर्च में भी, कैप्सिकम में भी ये मौजूद है बहुत ज्यादा, ठीक है जी। एक बड़ा वाला हमने लेमन जो है नींबू ये छिलके समेत डालना, बिल्कुल, इसकी ये स्क्रबिंग भी करेगा और बड़ी तरोताजा स्किन होगी, ठीक है, ठीक है जी। और साथ में हल्का सा ऐड करेंगे इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा क्वांटिटी में ये ऐड करेंगे, नहीं पेपरमिंट ऑयल, हम पेपरमिंट ऑयल, बिल्कुल पेपरमिंट ऑयल, ये सही आ गया, पेपरमेंट ऑयल चंद कतरे, ठीक है, चंद कतरे, बिल्कुल, ठीक है, चंद कतरे का मतलब है चंद कतरे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये हमने ऐड किया और इसके साथ बस इनको मिक्स करके अब हम ब्लेंड करेंगे और बड़ी जबरदस्त सी क्रीम होगी। अच्छा इसके अंदर आप क्या करेंगे कि अगर
आप थोड़ी सी अगर आपको खुश्की ज्यादा होती है, एड़ियां फट रही हैं, तो ये पेट्रोल ये चेहरे के लिए नहीं लगाएंगे, ये पेट्रोलियम जेली इतनी क्वांटिटी में ये ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे लेकिन बाद में, बिल्कुल बाद में, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है तो एक क्रीम आती है ज़ाइलो 8 जो लोकल एनेस्थेटिक है, वो आप इसके अंदर ऐड करें 5 ग्राम और लगाएं, आप बिल्कुल जोड़ों का दर्द आपका गायब होगा। ऑलराइट जी, चला दो जी, बिल्कुल। अरे वाह, बन रहा है, बिल्कुल मुश्किल होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लेमन वगैरह सब है, सब चीजें ना, लिक्विड आ गया, लिक्विड आ गया, शहद भी है इसके अंदर, शहद भी आ गया, दूध है, स्टोर हो जाएगा बिल्कुल, आप इसको फ्रिज में रखें मगर ये कि पूरा महीना, मगर कोशिश ये करनी है कि इसके अंदर चमचा ना डालें, हाथ ना डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए ये कितने दिन का बना? ये पूरे मंथ का बनेगा। अच्छा, पूरे मंथ का, अगर आप चेहरे और नेक पे लगाएंगे, अगर आप पूरी बॉडी पे लगाएंगे तो एक हफ्ते का है, पूरी बॉडी पे लगाएं तो बहुत अच्छा, बस बस खत्म, ऑलराइट, हो गया, ब्यूटीफुल। और आप ये देखिए इतना जबरदस्त सा मिक्सचर बनेगा, फ्रिज में रखेंगे तो और अच्छा इसका रिजल्ट आएगा, देखिए वाओ, टेक्सचर ये देखिए, जबरदस्त ही क्रीम तैयार है, ब्यूटीफुल स्क्रबिंग भी करेगी। और ये देखिए आप पूरे इसको पूरा, ये पूरा हफ्ता बॉडी के लिए है, तालियां 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 तालियां, वेरी नाइस, जस्ट लाइक स्मूदी। आप लोगों को ट्राई, कोई ट्राई करना चाहता है, लगाना चाहता है डॉक्टर साहब की रेसिपी, आप लगाना चाहती हैं? हाँ, दिखाइए दिखाइए, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वही जिसका इंतजार था वो हम करने जा रहे हैं, आप प्लीज ट्राई कीजिए और मुझे सच सच बताइएगा कैसा लग रहा है आपको, हाउ डू यू लाइक इट? थोड़ा ज्यादा लगाए ना, या गुड, वाओ, अच्छा कोई इची स्क्रैची फीलिंग तो नहीं है? गुड गुड गुड, एनीवन एल्स? आप लगाना चाहती हैं? आप लगाना चाहती हैं? ट्राई जी, बिल्कुल झाइयां दूर होंगी, इससे रंगत साफ, रंगत बड़ी साफ होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपकी जो अंडर आर्म्स या बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो आप बड़ा शर्माते हो, बिल्कुल क्लियर करेगा, और साथ में जोड़ों का दर्द भी ये बिल्कुल गायब करेगा अगर इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ाइलो 8 ऐड कर दें। ओके, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बनाने जा रहा हूँ एक ऐसा ड्रिंक जो आप हर रात को सोने से पहले ले सकते हैं, एक ड्रिंक, और आपके किचन में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, गौर से सुनिएगा, और वो आपके टमी को कम कर देंगे 14 दिन के अंदर, 14 डेज में आपकी टमी रिड्यूस हो जाएगी, जो एक्सेसिव फैट है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा 14 दिन के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। जोर से वो वक्त आ गया है कि जब मैं आपको रेसिपी बनाना सिखा रहा हूँ टमी फैट रिडक्शन की रेसिपी, और ये ड्रिंक है। अच्छा, ये बात चुप रहना, तुम बोलना, ये बिल्कुल चुप रहना, बहुत, व्हाट आर यू डूइंग? आई वांट टू सी द रेसिपी, दिस इज वेरी काम की बात। वो वहां पे मैंने हमको के लिए जगह, इधर 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 आ जाओ, इधर इधर इधर। अच्छा, पहले सबसे पहले ऐसे ही, पता नहीं क्यों दिल चाहता मेरा। अच्छा, बहुत फैमिली शो नहीं आ रही है? बहुत बहुत ज्यादा फैमिली शो, मुझे भी डांटा था। आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे पहले योकोजुना एक बकरा। आपको पता है योकोजुना कौन था? योकोजुना एक सुमो रेसलर था जो बाद में WWF में चला गया था, WWE के अंदर चला गया था, एंड ही डिडंट सर्वाइव एनीमोर, ही इज डिसीज्ड नाउ, मर चुके हैं वो, लेकिन उनका नाम बहुत जिंदा है। योकोजुना सबसे फेयरसम रेसलर हुआ करता था। तो योकोजुना का नाम का एक बकरा है जिसका हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया, आपको दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं, मिलते हैं बकरे योकोजुना से। वॉच दिस, चाल ऐसी दिल दहल जाए, कद काट की धाक बिठाए, ये है लाहौर का शेरे लाहौर जो योकोजोना की याद दिलाए। वजन 293 किलो, 293 केजीज,
शेरे लाहौर ने फैसलाबाद का दंगल अपने नाम किया तो धूम मच गई। मालिक कहता है पूरे 3 साल मेहनत की, दूध मक्खन बादाम से तवाजो की और बना दिया तगड़ा पहलवान। इसका वजन 293 kg है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बकरा है। मुकाबले में सारे ही बकरे निराले थे, मलंग दूसरे नंबर पर रहा मगर मालिक खुश नहीं। धांधली हुई है, हमने तो स्टेज पे ही इनका बाइकॉट किया। मार्का जीतने के बाद शेरे लाहौर के 10 लाख रुपए लग गए, लेकिन मालिक खुद कुर्बान करना चाहता है। 293 kg वजनी बकरे इस शेरे लाहौर ने आज का मैदान मार लिया। मालिक तो लुटिया डाल रहे और दावा कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा तगड़ा बकरा है। कैमरामैन इज़वान साबरी के साथ शहनाज महमूद समा। Wow. Very nice. 293 ये उसका वेट है, अनबिलीवेबल। अब टाइम आ गया है कि मैं आपको टमी फैट रिडक्शन की ये रेसिपी जो है ये बता दूं। फाइनली आपने आपने एक अदद खीरा लिया जो थोड़ा सा कम हो गया, जो कि थोड़ा सा कम चोरी हो गया, जो कि थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आपने एक अदद खीरा लिया, उसको उसके छिलके जो है वो उतार दिए और उसको चॉप कर दिया इस तरह से। चॉप करने के बाद इसको आपने किसी भी जूसर में या ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। बहुत आसान रेसिपी है, इट्स नॉट रियली दैट डिफिकल्ट। उसके बाद आपने पार्सले के ये बंच लिए और इनको पार्सले को इसके अंदर अजमुदा कहते हैं और इसके अंदर आपने इसको डाल दिया, इस बंच को इसमें डाल दिया। याद रखिए ये जो रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके घर में मौजूद होती है, पार्सले आपके घर में होता है, खीरा आपके पास होता है। इसके बाद आपने ये लेमन लिया, आधा आधा लेमन लिया और इसको इसके अंदर निचोड़ दिया। लेमन पूरा भी हो सकता है लेकिन आपने आधा लिया बिकॉज वरना वो तुर्श हो जाएगा बहुत ज़्यादा। नो 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 नो। उसके बाद आपने आधा इसको निचोड़ दिया। निचोड़ने के बाद जब ये सब कुछ आपने कर लिया तो आपने 1/3 cup वाटर लिया, पानी लिया और इस पानी को इसमें डाल दिया और इसके बाद सिंपली लिड को ऐसे रखा, बंद किया और इसको चला दिया। होल्ड ऑन। जब आपने इसको चला दिया बिल्कुल आखिर के अंदर आपने ग्रेटेड जिंजर 1 tablespoon लेना है बिल्कुल आखिर के अंदर, क्योंकि शुरू के अंदर लगाएंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। एक ग्रेट अदरक है, ये 1 tablespoon है, ये आपने लिया और ये इसके अंदर मिला दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास किचन के अंदर अवेलेबल नहीं हो। हमने इसमें 5 ingredients डाले हैं वाटर के साथ। सबसे पहले आपने खीरा डाला, खीरे के बाद आपने एक बंच पार्सले का डाला, उसमें आपने डंडियाँ निकाल दी और वो उसके पत्ते जो हैं वो डाल दिए। फिर इसके साथ आपने लेमन निचोड़ा, आधा आधा आपने लेमन विदाउट सीड इसके अंदर निचोड़ दिया। 3 cup पानी डाला और बिल्कुल आखिर में आपने ऐड किया ग्रेटेड जिंजर, अदरक अदरक डाला, 1/3 tablespoon 1/3 cup आपने पानी डालना है और इसके बाद इसको चला देना इस तरह से। अच्छा ये आप मैक्सिमम 30 seconds के लिए चलाएंगे, थोड़ा सा आपके अंदर वो फील आनी चाहिए जिंजर की। आप इसके अंदर चाहें ठंडा करने के लिए तो इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें या इसके अंदर 1/8 डली क्रश्ड आइस की डाल सकते हैं। अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसकी जगह ग्रेटेड जिंजर की जगह अगर हमने जो घर में पेस्ट बनाया होता वो इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट डू दैट बिकॉज़ नहीं उसमें कोई एक्चुअली जिंजर का फायदा नहीं है। नहीं, आपने ग्रेटेड जिंजर तो पता ना किस तरह से होता है, कश किया हुआ जिंजर, बस आपने वो कर दिया और ये आपका ड्रिंक जो है ये तैयार हो गया है। ये रोज रात को है और मैं आपको ये बता दूं। अच्छा अब इसको एक तरफ रख दीजिए, अब जरा बात कीजिए आपकी डाइट की। इसको एक तरफ रख दीजिए, मैं आपसे आपकी डाइट चेंज करने को नहीं कह रहा, बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप अपनी डाइट चेंज करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सुबह का नाश्ता अगर 8 बजे लेते हैं तो 10 बजे थोड़ा सा कुछ खाएं, पोर्शन कम कर लीजिए नाश्ते का, 10 बजे कुछ खाएं, फिर इसके बाद 12 बजे कुछ खाएं, फिर 3 बजे कुछ खाएं, फिर डिनर अर्ली ले लें 8 बजे तक आप बिल्कुल फारिग हो जाएं खा के। रात को फ़र्ज़ कीजिए कि आप 10 बजे सोते हैं या 11 बजे सोते हैं तो ये सिर्फ एक ग्लास, इतना ही ग्लास पी लीजिए। 14 दिन के अंदर आपका बेली फैट जो है, टमी फैट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ, कल मैंने पहली मरतबा इसको इस्तेमाल किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन्होंने अप टू 40 pounds लूज किया है। 40 pounds अच्छा जिस
वक्त ये बनाए उसी वक्त ही पीना है, मतलब लाइक पहले से बना के इसको आप रख नहीं अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आप बना के 15 मिनट पहले रख सकते हैं, आप इसको फ्रिज के अंदर सेव कर सकते हैं, इस पे अगर आप वो जो रैपर है वो चढ़ा दें उसके बाद आप फ्रिज के अंदर रख दें तो आप इसको पी सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा डाइट सेंसिबली खाना बहुत जरूरी है। एक टेलीफोन कॉल है, मैं वो ले लूं फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, एक सेकंड अभी दे रहा हूं, दे रहा हूं आपको ही दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेट कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हां जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हां जी कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है, नाम क्या है आपका? सीमाप। सीमाप जी, जी सीमाप बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? साहिर भाई पहले तो मैं रानी आपा खुरम भाई सबको बहुत बहुत करती हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम ये करते हैं शो, थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है, मैं डेली आपका प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं डेली कॉल करूँ। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीमाप, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई, जी जी कैसी हैं आप, क्या नाम है आपका? जी मैं नादिया सरगोदा से। हाँ जी नादिया, कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र साहिब भाई, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने रेसिपी सुनी है मेरी, तरकीब सुनी है? जी 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 सुनी है जी। साहिब भाई इसी के बारे में पूछना था कि ये रात को एक गिलास बना के रोजाना, बस एक गिलास बना के रोजाना, बस और कुछ नहीं करना, एक अच्छा ये सारी चीजें आपके पास है, देखिए आपके पास पार्सले आपके घर में होता है, नींबू आपके घर में होता है, खीरा आपके घर में होता है, पानी होपफुली आपके घर में होता ही होता है, तो ये हाँ जी भाई पार्सले कितना, पार्सले एक बंच इतना सा, ये देखें मुट्ठी भर के, बस मुट्ठी भर के पार्सले आपने डाल दिया, मतलब उसमें चार पांच थे, सात दस डंडियां आपने निकाल दी, उसके पत्ते निकाल के आपने डाल दिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जिंजर एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून आपने जिंजर डालना है। एक और टेलीफोन कॉल है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी क्या हाल चाल है आपके? हेलो ठीक है जी, मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बात कीजिए लजी, सलाम कैसी आप? लेकिन अपने टेलीविजन की आवाज़ जी डॉक्टर खुरम, मुझे आपसे बात करनी है, मैं मेरे चेहरे पे ना बहुत बाल है जी, चेहरे पे बहुत बाल है, आपसे मिलना चाहती हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल आप आ जाओ, अभी एमसीआर से नंबर भी ले लो। क्या उम्र आपकी? आपका एड्रेस चाहिए? बल अभी पता ले लें आप, अभी यहाँ एमसीआर में फोन करेंगे ना, बिल्कुल फोन करके आइए और बिल्कुल इसका इलाज करेंगे, बहुत अच्छे बाल जाएंगे। एक बात का ध्यान और पूरे सब लोगों के लिए कि नो मैटर हम लोग कितने काले हैं कितने गोरे हैं, अगर हम एशियाई हैं तो हम लोग को लेजर नहीं कराना है, मैं आपकी ऑक्सीजन थेरेपी करूंगा, एक दवाई दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा एक और बात, दूसरी बात ये है कि आप लोग अगर प्रोग्राम को रेगुलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं लास्ट वीक, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ऑब्वियसली आपको डॉक्टर से बात करनी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको डॉक्टर से मिलना है, तो उसके लिए आप एमसीआर से खुरम का पता ले सकते हैं। वैसे खुरम आप बता भी सकते हैं आपकी क्लिनिक किधर है, अभी भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो आप शहीद मिल्लत रोड पे, ठीक है, सिराजुद्दौला रोड है ऑफ शहीद मिल्लत रोड, वहाँ पे एक हेल्थ विजन हॉस्पिटल है, वहाँ मैं होता हूँ। उसके अलावा ट्वाइस अ वीक जमजमा थर्ड कमर्शियल लेन बिहाइंड बैंकल, अभी वहाँ आ सकते हैं, दोनों जगह कराची में मौजूद छेद है। रानी आपसे मिलना हो तो कहाँ? मेरा तो पार्लर PC2 ब्लॉक 2 में है, सोसाइटी ऑफिस के वहाँ पर मिल सकते हैं। आपसे हेल्थ केयर भी पूछ सकते हैं वहाँ? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और कोई अगर जिस्मानी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मेरे साहबजादी। और फिर जिन जिन मैं आई हाँ हाँ मुझे ब्रेक लेंगे, जिनको बालों का इशू है, जो कि अनवांटेड और अननेसेसरी हेयर ग्रोथ है, जिन खातिन को मुँह पर बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ है, इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आप अपना हार्मोनल असे करवाएँ और चेक करें कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेज नहीं है, कोई इरेगुलरिटीज नहीं, क्योंकि PCO अब हमारे एज ग्रुप में, वेल अ लिटिल यंगर देन माई सेल्फ, बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो इससे पहले क्या आप उनको, ये हमारे लिए एक सिम्टम है, तो इससे पहले क्या आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं या दूसरे थेरेपीज करवाएं, पता लगवाएं कि कॉज क्या है, कोई और इश्यू तो नहीं। अच्छा, है एंड देन डू व्हाट यू वांट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम हमेशा ये कहते हैं कि पहले डॉक्टर से मशवरा कीजिए, उसके बाद हर्बल पे जाइए। अच्छा अब जब मैं वापस आऊंगा तो आपको एक और चीज़ बनाना सिखाऊंगा, घर में बना सकते हैं आप, अपने चेहरे को 10 साल पीछे ले जा सकते हैं, चेहरे से झुर्रियों का खात्मा हो सकता है, और ये आज का नुस्खा नहीं है, ये एक जापानी नुस्खा है जो 100 साल से इस्तेमाल हो रहा है, सो ये आजकल की बात नहीं है, आप यकीन जानिए अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे एक महीना 1 month, और आप कम अज़ कम 10 साल पीछे चले जाएंगे, आपकी स्किन इतनी टाइट हो जाएगी और वो रहेगी। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे जब ब्रेक के बाद मिलूंगा तो आपको बताऊंगा
कि आप कैसे अपनी उम्र को कम कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आप समझते हैं ब्रेक के बाद। वो वक्त आ गया है जब मैं आपको बनाना सिखाऊं कि किस तरह से चेहरे का एक ऐसा मास्क बनाना सिखाऊं जिससे आप 10 साल पीछे जा सकते हैं। जापानी नुस्खा है ये। आपने अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा चावल उबाले हैं लेकिन आपने एक कप चावल उबालने हैं। बहुत आसान सा नुस्खा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपके घर में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आपने चावल उबाल लिए, मैं आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आपको पता हो। चावल उबालने के बाद आपने एक कप चावल लेने, एक कप आपने, और याद रखिए उसका पानी जो है वो अलग से छान लेना है। पानी इज़ वेरी वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये चावल के ले लिए आपने, और इसके बाद आपने इसका पानी जो है ये पकड़ेंगे डॉक्टर साहब, ये पानी जो है इसका एक कप के हिसाब से ये आपने छान के किसी भी उसमें रख लिया, प्याले में इसमें रख लिया। ये आपने इसका पानी निकाल लिया। याद रखिएगा कि मैं इसका पानी ये निकाल रहा हूँ क्योंकि आखिर में ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ चावल लिए हैं, और चावल लेने के बाद ये पानी मैंने इसका यहाँ रख दिया है। ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आखिर में हम इस्तेमाल करेंगे। आपने एक कप चावल लिए हैं, एक कप उबले हुए चावल ले लिए हैं, और इसके बाद इसका पानी निकाल के अलग कर दिया। इन्हीं चावलों को आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। बहुत आसान नुस्खा। उसके बाद आपने ये वाला एक स्पून लिया, बड़ा वाला, और इस बड़े स्पून के साथ आपने ये शहद, एक चमचा शहद जो है, ये बड़ा वाला चमचा, ये इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये आपने एक चम्मच डाल दिया। फिर उसके बाद आपने आधा कप या एक कप भी लिया जा सकता है इंटेंसिटी को ज़्यादा करने के लिए, वरना आधा कप आपने दूध लिया, नॉर्मल कोई भी दूध है वो आपने लिया, और वो इसके बाद इसके अंदर आपने डाल दिया एक मग। अच्छा, एक मग बहुत जबरदस्त। डालने के बाद आपने इसको कवर किया। ये तीन चीज़ें डालने के बाद आपने इसको कवर किया, और इसके बाद इसको बनाना शुरू कर दिया। ये आपने कर दिया। अच्छा, ये ग्रेट होता रहेगा 30 सेकेंड, 45 सेकेंड आपने इसको ग्रेट किया, आपने इसको पीस लिया। पीसने के बाद आपने इसको छोड़ दिया। अब ये जिस फॉर्म में आपको मिलेगा वो ये वाली फॉर्म है, ठीक है। हमने आधा कप दूध लेना था, मैंने ज़्यादा आपको सिर्फ बनाने के तौर पे सिखाया है, और ये आप फॉर्म हो जाएगी, और आप इसको इस तरह से अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे एक मास्क के तौर पे, और इसको लगा हुआ छोड़ देंगे कम अज़ कम 20 मिनट्स के लिए। एवरी सिंगल नाइट कम अज़ कम 20 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ दिया। जब 20 मिनट के बाद ये सख्त हो जाएगा, ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी है। आप अगर इसको ज़्यादा देर तक छोड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा देर तक छोड़ दें। आपने ये वाला पानी जो बचा हुआ था इसके साथ आपने मुँह धोया, इस पानी के साथ, इसी पानी के साथ आपने मुंह धोया। इसके बाद आपने ऐसा कोई टिश्यू लिया या टॉवल लिया और उसको इस तरह से ड्राई कर लिया। उसके बाद अपने चेहरे पे आपने अगले 20 मिनट कोई चीज नहीं लगानी। फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स आपने अपने चेहरे पे कोई चीज नहीं लगानी। ये आप अमल सिर्फ एक महीना कीजिए। आधा कप दूध लेंगे तो बेसिकली एक ऑर्गेनिक, ये जो आजकल का ट्रेंड चला ना, ऑर्गेनिक चीजें चाहिए। एक ऑर्गेनिक फेस टाइटनिंग और व्हाइटनिंग मास्क है, हनी लैक्टिक एसिड फ्रॉम द मिल्क एंड स्टार्च फ्रॉम, और हम जो व्हाइटनिंग मास्क लगाते हैं सैलून में वो भी यही फॉर्म समझ लें होती है ना। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जापानी, और उनके चेहरे देखो, और उनके चेहरे, और उनकी एज जो है वो नहीं आती, और ये स्टार्च है बेसिकली, ये टाइट करता है आपकी स्किन। अच्छा, इससे दो तीन फायदे आपको होने। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपके चेहरे की स्किन जो है, जो सैग हो जाती है, ये वाले हिस्से, अच्छा चेहरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ये वाला हिस्सा जो है ये टाइट हो जाएगा, ये हिस्सा जो है ये पीछे की तरफ खिंच जाएगा, ये हिस्सा ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। बेसिकली जो काम फेस लिफ्ट के जरिए होता है वो काम ये करेगा। ये आपको एक महीने करना है। दोबारा से तरकीब मैं आपको बता दूं, एक कप चावल उबाल लें, उसका पानी अलग कर लीजिए। उस एक कप चावल में एक चम्मच
शहद डाल लें और आधा कप दूध डाल लें, उसको ग्राइंड कर लें, वो पेस्ट की फॉर्म में या इस तरह की फॉर्म में, एक सॉल्यूशन की फॉर्म में बन जाएगा। उसको यहाँ अप्लाई करें और 20 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए, या आपका मास्क बन गया। अगर आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी असर करेगा। उसके बाद ये पानी जो आपने अलग करके रखा था चावलों का, इसके ज़रिए आप अपने मुँह को धो लीजिए, वॉश कर लीजिए। उसके बाद कोई चीज़ उस पर अप्लाई ना करें फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स, अगले 20 मिनट उसके बाद आप उस पर कोई चीज़ भी अप्लाई ना कीजिए। आई कैन बेट ऑन दिस कि आप अगर ये इस्तेमाल करेंगे विद इन 1 मंथ लोग आपसे वाकई पूछेंगे कि आपने अपने चेहरे के साथ किया। अच्छा साहब, रोज आपने डेली फ्रेश बॉईल करने राइस या मतलब उसको रख नहीं सकते आप? नेक्स्ट डेली। अच्छा जी, मेरे घर तो रोज चावल बनते हैं। हां, अब तो बनेंगे, अब तो सुबह शाम बनेंगे। आप लोगों को ये तरीका कार समझ आ जा आ गया हो। एंड आई ऑनेस्टली आसान थे साहिर सारे। क्या हुआ? ये कैमरा जरा दानियल को दिखाना। क्या एक आदमी है जो मोबाइल में देख के ना यूं कर रहा है, कैसा लग रहा हूं मैं? आज लाइव आया है भाई, आज लाइव, आज लाइव। बट एनीवे, बट डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा नेचुरल, बड़ा सूदिंग। अच्छा, और ये बड़ी पुरानी टेक्निक है, चावल का पानी तो नेचुरली जो लोग खेतों में काम करते हैं चावल के, वो नेचुरली बड़े स्किन बड़ी खूबसूरत और बड़ी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, हैरान रह गए। एक तो वो धूप में काम करते हैं, ठीक है। जब मैं हॉस्पिटल में होती थी और विटामिन डी डिफिशियंसीज को हम देखते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे इस कदर तकलीफ होती, विटामिन डी फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अपने बिल्कुल मिल रहे हैं, और उसके बावजूद हम इतने सीवियर डिफिशियंसीज देख रहे हैं। पोस्ट मेनोपॉजल औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस। आई डू अपोलोजाइज, लेकिन मुझे कमर्शियल रह गया। नहीं नहीं, थैंक यू जी, बहुत बहुत सर का दम निकला था कि थैंक यू जी। सॉरी, कमर्शियल ड्रॉपर है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। साहिर तरकीब पर याद रखिएगा, आप ड्रामा ऑनलाइन पर जा सकते हैं, हमारे समा के फेसबुक पे जा सकते हैं, sama.tv पे आप जा सकते हैं और वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। साथ साथ मैं इसको अपने फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप यंग नजर आए, जवान नजर आए, खूबसूरत नजर आए, आपका वेट कम हो जाए। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप बेहतर से बेहतर नजर आए, उसके अलावा कुछ नहीं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। कल सुबह तक खुदा हाफिज़।